नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा स्थापना दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश भाजपा मनाएगी। स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा की हमारी सबसे छोटी इकाई की है बूथ। बूथ समिति से लेकर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। साथ में ही प्रत्येक बूथ पर भाजपा के हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दीवार लेखन करेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, जिले के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, मंडल शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे और बूथ के कार्यकर्ता भी उस बूथ पर भाजपा के दीवार लेखन का काम 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर करेंगे। भाजपा बूथ सशक्तिकरण के अभियान में लगी है और मुझे यह बताने में गर्व है कि आज भाजपा के डिजिटल बूथ और पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के गठन में अग्रसर है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि आज हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हुए हैं, थोड़ा सा काम बचा है, वह भी हमारा जल्द पूरा होगा। फुलफिल नेटवर्किंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन तंत्र की भाजपा ने की है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर इसका प्रकटीकरण होगा। हर बूथ पर हम भाजपा के ध्वज का ध्वजारोहण, प्रत्येक बूथ पर 64,100 बूथों पर मध्य प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। मैं भी एक बूथ पर जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में किसी एक बूथ पर सम्मिलित होंगे। साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो यूथ कनेक्ट का अभियान भाजपा ने लिया है, युवा मोर्चा के माध्यम से 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर नए मतदाता जो 17-18 साल के 23-24 साल के नौजवान जो नए मतदाता बने हैं, इन नए मतदाताओं का युवा चौपाल का कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत पर और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में होगा। जो नया मतदाता है उसे जोड़ने और कनेक्ट करने का व्यापक और बहुआयामी अभियान भाजपा युवा मोर्चा ने लिया है। हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव और उनकी टीम इस काम पर लगी है। 1,070 मंडल हमारे और 1,800 वार्ड है। 1,070 मंडल और 1,800 वार्ड में एक दिन में 1,070 मंडल और 1,800 वार्ड के स्थानों पर युवा चौपाल 6 अप्रैल से प्रारंभ होगी, जो लगातार चलकर 23,000 पंचायतों में और 1,800 वार्डों में भाजपा के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस दिशा में ऐतिहासिक काम नए मतदाताओं को जोड़ने का करेंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। शुरू करें, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सबसे छोटी हमारी इकाई है बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा और साथ में ही प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दीवार लेखन करेंगे, तो प्रदेश के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, जिले के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, मंडल का अध्यक्ष भी करेगा, शक्ति केंद्र का संयोजक भी करेगा और बूथ का अध्यक्ष भी और बूथ के कार्यकर्ता भी उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन का काम 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण के अभियान में लगी है और मुझे ये बताने में गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल बूथ और जो हमारा अभी अभियान चल रहा है पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के गठन में आज हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। थोड़ा सा काम कुछ बचा है, वो भी हमारा जल्दी पूरा होगा।
तो एक फुलफिल नेटवर्किंग अपने ऑर्गेनाइजेशन तंत्र की भारतीय जनता पार्टी ने की है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर इसका प्रकटीकरण, हर बूथ पर हमने ध्वजारोहण, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण प्रत्येक बूथ पर 64,100 बूथों पर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। मैं भी एक बूथ पर जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में बूथ पर किसी एक बूथ पर सम्मिलित होंगे। और साथ में ही भारतीय जनता युवा मोर्चे ने जो यूथ कनेक्ट का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, युवा मोर्चे के माध्यम से 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर नए मतदाता जो 17-18 साल के, 23-24 साल के नौजवान जो नए मतदाता बने हैं, इन नए मतदाताओं का युवा चौपाल का कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत पर और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में होगा। और वो जो नया नौजवान, नया मतदाता है, उसे जोड़ने और कनेक्ट करने का एक व्यापक और बहुआयामी अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चे ने लिया है। हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वैभव जी और उनकी टीम पूरी इस काम के अंदर लगी है। और मुझे बताने में इस बात को लेकर के आज मैं कि 1070 मंडल हमारे हैं और 1800 वार्ड हैं, तो 1070 मंडल और 1800 वार्डों में एक दिन में एक स्थान पर युवा चौपाल, यानी 1070 और 1800 इन स्थानों पर हमारी युवा चौपाल एक ही दिन में प्रारंभ होगी 6 अप्रैल से, जो फिर लगातार चल करके 23,000 पंचायतों में और 1800 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस दिशा में एक ऐतिहासिक काम नए मतदाताओं को जोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सबसे छोटी हमारी इकाई है, बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा और साथ में ही प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दीवार लेखन करेंगे, तो प्रदेश के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, जिले के अध्यक्ष भी दीवार लेखन करेंगे, मंडल का अध्यक्ष भी करेगा, शक्ति केंद्र का संयोजक भी करेगा और बूथ का अध्यक्ष भी और बूथ के कार्यकर्ता भी उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन का काम 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण के अभियान में लगी है और मुझे ये बताने में गर्व है कि आज भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल बूथ और जो हमारा अभी अभियान चल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।